हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जे एस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आइडियल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन में, जिन्होंने अभी एग्जाम दिए थे ऑनलाइन का और अब वो चाहते हैं कि अपने ओरिजिनल मार्कशीट जाके कलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे मैसेज आते थे, कमेंट आते थे कि सर हमारा मिल रहा है कि नहीं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, आप प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द आइडल, तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा मेरे, तभी जाके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने अपना नंबर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली कॉल पे ही सब आंसर मिल जाएगा, वो वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ उस वीडियो को मेरे एंड तक देखा करो। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है रिलेटेड टू द आइडल्स को लेके, तो प्लीज़ उस वीडियो को टिल एंड तक देखो, तो शायद से या कन्फर्म आपका डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर भी एक पहले वीडियो बना चुका था डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो उसमें अगेन एक ही क्वेश्चन आता, सर हमारी मार्कशीट मिल रही है कि नहीं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और आप खुद चेक करा करो कि आपकी मार्कशीट आपको कब मिलेगी। अब उसके लिए आपको करना होगा एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जाना है अपनी वेबसाइट पे old.me.ac.in, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना है। देखो फ्रेंड्स, फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को टेल एंड तक देखना, तब आपका आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। मार्कशीट लेने से पहले, आइडल यूनिवर्सिटी जाने से पहले ज़रूर ये वीडियो देखना, क्या आपका आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं जाके आपका, बिकॉज आपका जहाँ वहाँ जाना वेस्ट ना होवे, आप जाओ तो आपका रिजल्ट वहाँ से मिलना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबसाइट में चेक करना है, ठीक है। तो वेबसाइट पे चला गया मैं, तो जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक इस तरह से नोटिफिकेशन दिखेगा, ऑनलाइन एडमिशन। नहीं, आपको इससे कुछ भी काम नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन, नहीं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एग्ज़ाम डेट, नहीं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नोटिस फॉर, इसका भी आपको काम नहीं है। MCA एंट्रेंस, एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चेक करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म, इससे भी अभी हमारा उससे वीडियो रिलेटेड नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, इससे भी मतलब नहीं है। रिजल्ट ऑफ आइडल, उससे भी नहीं है। अब आ गया है एकदम तुम्हारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट, नोटिस फॉर मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेल्यूशन फोटोकॉपी, कैसे आया चेक करते, ठीक है। PGDFM सेकेंड सेमिस्टर नवंबर रिजल्ट जो स्टेटमेंट आया था। अब यहाँ पे आपको अपना चेक करना है, यहाँ कहीं भी TY BCOM दिख रहा है नहीं, मतलब TY BCOM के स्टेटमेंट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए, जरा समझ रहे, दिख रहा है आपको TY BCOM कहीं भी नहीं दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको अपना कोर्सेज का जो भी आपने स्ट्रीम लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है SY BSAT सेमिस्टर थर्ड रिवेल्यूशन नवंबर 2020 रिजल्ट स्टेटमेंट, तो आपने जैसे इसको क्लिक कर लिए, जो बच्चे हो गए SY BSC के, तो उसको स्टेटमेंट आपके पास में ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, वेट कर लेता हूँ डाउनलोड। अब जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आपको एक बार। टोटल नंबर ऑफ ए कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे 131, टोटल नंबर ऑफ ए ऑलरेडी पास 1। आपको आपके पूरे मतलब कोर्सेज की डिटेल दिखी रहेगी। आपको मेन जाना है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स विल बी इश्यू टू द स्टूडेंट 13 जनवरी से मिलना शुरू हो चुके हैं, याद रखना 13 जनवरी से मिलना शुरू हो गए, तो आपको 15 दिन के अंदर जाके अपना रिजल्ट कलेक्ट कर लेना। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आपको क्या मैंने कहा। आप नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स को भेजना, फिर आपको पेरेंट्स के पास में एक आइडेंटिटी होना चाहिए। अब क्या लेके जाना डॉक्यूमेंट, तो मैं तो कहता हूँ आपके पास में जो जो आइडल के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिकॉज किसी किसी के रिजल्ट पे लिखा है RR, तो RR के लिए आपको थोड़े बहुत तो डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स लगते हैं, फोटोकॉपी। तो आपके पास में जो भी आइडल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे ज़रूर लेके जाना, अदरवाइज आपको आने जाना फिर से भारी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल PGDFM 5-2 नवंबर, PGDFM 7-1, SYBA फ्रेशर स्टूडेंट रिजल्ट के भी नवंबर में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए फ्रेशर, ओके, जैसे इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं डाउनलोड SYBA, देख रहे हैं आप SYBA जिन्होंने नवंबर में एग्ज़ाम दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल कितने थे 126। आपको इससे मतलब नहीं, आप खाली सबसे पहले अपना देख लेना SYBA, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस तरह से बैक पे जाना है डाउनलोड करने के बाद में। स्टेटमेंट फिर से इनका भी 13 जनवरी से मिलना शुरू हो चुका है, कब जाना है आपको 15 दिन के अंदर चले जाना है, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है जो आप अपना चेक कर सकते हो कि आपकी मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही कि नहीं।
मैसेज करने से अच्छा आप इस पे जाओगे, वीडियो को टिल एंड तक देखना, इसका और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आप कॉल करोगे तो मैं आपको यही एक ही चीज़ दूंगा, कमेंट करोगे तो आपको एक ही सवाल, क्या वीडियो को टिल एंड तक देखो और इसी पे चेक करते रहो। जैसे ही TY BCom या थर्ड ईयर के शायद से अभी तक मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट नहीं हुए, MCom पार्ट टू के भी नहीं हुए, तो आपको बस इसी पे जाके चेक करना है नोटिस फॉर मार्कशीट, यहीं पर आपके सारी चीज़ें क्या होगी डिस्प्ले होगी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके आइडल के ग्रुप हो गया आपके फ्रेंड्स के उनके साथ में ज़रूर शेयर करना, या तो आपके छोटे भाई ने अभी आइडल में एडमिशन लिया तो उनको वीडियो या एक चैनल के बारे में ज़रूर सजेस्ट करना, ताकि इसी तरह से अपडेट या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वीडियो पर आपको ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से अपडेट, एजुकेशन से अपडेट और आइडल से रिलेटेड अपडेट आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलते जाएगी फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।